हेलो गाइस, तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में 5 WWE में हुए बॉचेस या कहे तो बड़े गलतियां के बारे में बात करेंगे जिन्होंने बैक स्टेज में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। नंबर 1, शिंस्के नाकामुरा ड्रॉप जॉन सीना ऑन हिज हेड स्मैकडाउन 2017। समर 2017 के दौरान शिंस्के नाकामुरा को एक बड़ा पुश मिला था। नाकामुरा को स्मैकडाउन का टॉप बेबी फेस बनाया गया और रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे रेसलर के साथ उन्होंने रेसलिंग करी। जब नाकामुरा और जॉन सीना का मैच हुआ तब एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और जिसकी वजह से सीना का एक्सप्लोरर सुप्लेक्स के बाद अपने सर के बल गिर गए। हालांकि ये बॉच देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था लेकिन सीना को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन विंस मैकमैन बेहद नाराज थे। और स्पॉट इलस्ट्रेटेड के एक रिपोर्ट में बताया गया कि स्पॉट इलस्ट्रेटेड को ये पता चला कि पिछले ट्यूसडे के स्मैकडाउन के बाद मैकमैन शिंस्के नाकामुरा से बहुत नाराज हो गए थे। नाकामुरा ने मैच के अंत में एक रिवर्स एक्सप्लोडर मूव के दौरान सीना के सर में बल गिरा दिया था। खतरनाक होने के बावजूद भी सीना को किसी तरह के सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। चलो बात करते नंबर 2, ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्बल स्लिप अप रॉ 2017। इतने सालों में विंस मैकमैन के बारे में जो कुछ चीजें पता चली है कि उन्हें उनके शब्द और उनके मतलब से अजीब लगाव है। 2017 में ब्रॉन स्ट्रोमैन रॉ में रिंग के अंदर एक प्रोमो बना रहे थे जब उन्होंने कहा कि अब टाइटल जीतने की अगली बारी उनकी ही है, तब टाइटल शॉट शब्द मैकमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो स्ट्रोमैन से इस गलती के लिए बहुत गुस्सा हुए थे। मिक फॉली जो स्ट्रोमैन की इस गलती के दौरान बैक स्टेज में मौजूद थे, वो लिनियन गाजा के चेजिंग ग्लोरी नाम के एक पॉडकास्ट पर आए और उन्हें बताया था कि मैकमैन ने क्या किया था। मैं कुछ हफ्तों पहले ही वहां जाने वाला था और मैंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये कहते हुए सुना कि उन्हें एक टाइटल शॉट चाहिए। और फिर पर्दे के पीछे मिस्टर मैकमैन मॉनिटर पर ये सब देख रहे थे और उन्होंने कहा, ओ गॉड, ये कोई टाइटल शॉट नहीं है। और फिर मैंने सोचा ये क्या है, मैं भी तो अगर वहां जाता तो ऐसा ही कुछ बोलता, क्या तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए। और फिर मैं जब बाहर गया तो उन्होंने कहा कि ये एक टाइटल मैच होता है, एक मैच जो अक्सर कभी आप सोचते हैं कि 6'8" और 380 pounds के वजन वाले आदमी को कैसे डांटा जाता है, तब आपको वहां बैक स्टेज में होना चाहिए था। चलो बात करते हैं नंबर 3, द मिज फेल्स टू कैच आर ट्रूथ रॉ 2012। रोड टू रेसलमेनिया 28 के दौरान WWE ने रॉ पर एक बेहतरीन 6-pack चैलेंज प्रेजेंट किया था। हालांकि इस मैच में शामिल होने वाले हर रेसलर एलाइट लेवल का था, लेकिन मैच के दौरान एक ऐसी गलती हुई थी जिससे बैक स्टेज में मौजूद ट्रिपल एच को बहुत गुस्सा आया था। मैच के एक स्पॉट में आर ट्रूथ के रिंग के बाहर एक स्लिंग शॉट मूव किया और द मिज की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें पकड़ ले, लेकिन मिज की बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हो गई और वो आर ट्रूथ को पकड़ नहीं पाए, जिसकी वजह से आर ट्रूथ बहुत ही बुरी तरह से रिंग से बाहर गिरे। ट्रूथ को तुरंत ही मैच से बाहर निकालना पड़ा और ट्रिपल एच का गुस्सा होना बिल्कुल ठीक था क्योंकि मिज की ये गलती बहुत बड़ी थी। उनका उस वक्त सिर्फ एक ही काम था, वो भी उसको नहीं अच्छे से कर पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय ट्रिपल एच ने मिज को बहुत डांटा था जब वो रिंग से बाहर आए, और यही बताया जाता है कि इस रोस्टर के ज्यादातर रेसलर ने ये अपनी आंखों से देखा था। नंबर 4, मेवेन मिसेस अ ड्रॉप किक रेसलमेनिया 18। रेसलमेनिया 18 में हार्डकोर टाइटल के लिए आखिरी बार एक रेसलमेनिया मैच हुआ था जिसमें मेवेन का सामना गोल्डस्ट से हुआ था, और इस मैच के बहुत ही कम डिस्कशन होती है क्योंकि ये वो समय था जब WWE को हार्डकोर डिवीजन की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि ये सही था, लेकिन फिर भी और विंस मैकमैन इस मैच में कोई गलती नहीं देखना चाहते थे, और जब मेवेन गोल्डस को एक ड्रॉप किक देने के लिए चूक गए तब बैक स्टेज में परेशानी और गुस्से का माहौल बन गया। मेवेन ने इस बॉच के बाद कैफे डेरेंस पॉडकास्ट पर बात करी और उनके मुताबिक मैकमैन इस गलती से बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए थे। मुझे रेसलमेनिया में वो ड्रॉप किक चूकने का बहुत अफसोस है क्योंकि मेरा बस वही एक मूव था। मैं बाहर गया, रेसलमेनिया 18 टोरंटो स्काई डोम में हुआ और मेरा और गोल्डस का एक स्पॉट था। वो एक गोल्ड ट्रेस कैन पकड़ कर खड़े थे, यहाँ तक कि वो केन भी गोल्डस पैंट किया हुआ था, और मैंने ड्रॉप किक करने की कोशिश करी लेकिन मैं पूरी तरह चूक गया, मतलब पूरी तरह ही। और फिर मैं सोचने लगा कि अगर ये गलती रंबल में अंडरटेकर के साथ वाले स्पॉट में होती तो मुझे पक्का निकाल दिया जाता, क्योंकि जब मैं बैक स्टेज पहुंचा तब विंस मैकमैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने कहा कि तुम ट्रैश कैन पर मार क्यों नहीं पाए, और मैं हर बार ये कहता हूं कि मेरे पास बस वही मूव था। चलो बात करते नंबर 5, एजे स्टाइल्स रिप्स हिज टाइट TLC 2016।
2016 के TLC पेपर व्यू के मेन इवेंट में एजे स्टाइल ने डीन एम्ब्रोज के खिलाफ एक TLC मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया था। ये मैच बहुत ही अंडररेटेड था और ये बस एक वार्ड ड्रॉप मेल फंक्शन की वजह से ही फेमस हुआ था, जिसकी वजह से विंस मैकमैन बहुत ही गुस्सा हुए थे। चैल्स के साथ एक स्पॉट के दौरान एजे स्टाइल की पैंट में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसके बाद वो फटने लगा। और जब एजे स्टाइल ने डीन एम्ब्रोज पर एक टेबल के ऊपर से 450 मूव किया, तब उनकी पैंट पूरी तरह फट गई। सैम रॉबर्ट के साथ एक इंटरव्यू में खुद एजे स्टाइल ने इस हादसे के बारे में बात करी और उन्होंने बताया, मुझे याद है उस चेयर स्पॉट के बाद मैंने सोचा था कि इससे मुझे पीछे थोड़ी चोट लगी है, मुझे इतना याद है। मेरे ख्याल से जब डीन उस टेबल पर गिरा, तब उसने मुझसे कहा, अरे मुझे लगता है तुम्हें नए पैंट्स की जरूरत होगी। मैंने सोचा, ओ गॉड, मुझे लगा ही था कि ये फट गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितना बुरा था। तब मैंने सोचा कि खैर, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सब भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। और भले ही मेरी पैंट फटी हुई थी, पर सबको दिख रहा था, तब भी जो हमने किया उसके बाद तो लोग इसके बारे में भूल ही जाएंगे। जिस तरह से हमने मैच खत्म किया था, मुझे लगता है हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था, और लोगों की मेरी पैंट्स की चिंता करने की जगह मैच पर ध्यान देना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट्स और खुद जेम्स एलवर्थ, जो उस मैच के आखिरी पार्ट्स में वहां मौजूद थे, उनके मुताबिक मैकमैन प्रोडक्शन टीम को एजे स्टाइल के पीछे से दिखाने के लिए मना कर रही थी। मैकमैन को बेशक एक लाइव PGWW पेपर व्यू में एजे स्टाइल को इस तरह से पीछे से दिखने में परेशानी हो सकती थी,